चुके हैं एंड प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अभिनव पारीख साबले जेंटलमैन द डायरेक्टर जिनकी विजन अभी इस बड़े पर्दे पे हमने देखी एंड नाउ टू इनवाइट ऑन स्टेज ही इज अगेन मोस्ट लवर्सिटीज ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अब से नहीं काफी लंबे अरसे बड़ा सारा प्यार मिला है और पूरी इंडस्ट्री बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती है और मुझे नहीं लगता नहीं, जब भी कुछ काम करने के बारे में सोचते होंगे तो कोई मना कर सकता है लेडीज एंड जेंटलमैन द प्रोड्यूसर साहब गिविर विनोद भानुशाली जोरदार तालियाम पर्टिक्युलरली दिस क्राइम एंड ऑफकोर्स वन ऑफ द मोस्ट लव डेक्टर्स इस फिल्म मेकर जेनरेशन जिनका काम आगे आगे तक जाएगा गिव इट अप फॉर अनुराग कश्यप चैनल ऑफिसर ऑफ जी अनमोल सिनेमा सर हमारे साथ यहां पे हैं गिव इट अप फॉर मिस्टर मनीष सोनी लेडीज़ एंड ले अगर आप अगली फिल्म देखेंगे तो अगली फिल्म में वो सीन है जब बच्चे गायब हो जाती है और हर जगह स्टेट में पकड़ा जा रहा है बस में जिस आदमी को पकड़ते हुए अभिनव पर था <laughs> तो मतलब उसका एन काफी चुपचाप रहने वाला लड़का था जो ज्यादा कुछ बोलता नहीं था जी। और अभिनव जब गया अपनी जर्नी पे और काफी टीवी में तो बहुत ही अच्छा काम किया इधर उधर तो तो बहुत अच्छा काम किया लेकिन जब ये फिल्म देखा मुझे पता नहीं था ये फिल्म लेके आया और मैं इतना सरप्राइज हो गया कि जिस तरह से इसने मेरे साथ रह के वो सारी चीजें कब इम्बाइब की आपको पता नहीं चलता ना कि फिल्म मेरे तो दो तीन रूल्स होते हैं कि फिल्म जितना खर्चा उससे बड़ी लगनी चाहिए सबसे पहला रूल वो होता है कभी नहीं लगना चाहिए कि फिल्म में हमारे पास सामान नहीं बनाने के लिए अगर आप कहानी कहना चाहते हो एक अच्छी कहानी रूटेड खाने आप कह सकते हो कम से कम चीजों में और इसने कब पकड़ा और कब सीखा और कब कहां से मुझे पता ही नहीं चला जब मैंने फिल्म देखी मैं इतना सरप्राइज हो गया इस फिल्म की जो एडिटर है उसने उसको नहीं, नहीं उसको नई नई लड़की थी उठा के मैंने उसको अपनी फिल्म कैनेडी दी तो कैनेडी उसने एडिट किया और मैं बहुत मैं कि, किसी भी तरह का सपोर्ट इस फिल्म के लिए तो मैं करूंगा इतनी अच्छी कहानी और मैं बनारस में बड़ा हुआ हूँ हमारे यहाँ भी यही होता था जब Uh, मेरे पिताजी जब पावर हाउस में काम करते थे अगर कर बाई एक्सीडेंटली किसी की मौत हो जाती थी तो नौकरी परिवार में बच्चों को जाती थी तो मैं तो वहाँ बड़ा हुआ तो मेरे लिए अनुकम्पा स्कीम या, या सब कोई नई चीज़ नहीं है हमने बचपन से देखा है और ये नॉर्थ इंडिया में है अभी भी तो मेरे लिए बट उसको जिस तरह से कहानी गई और बाप बेटे का जो रिश्ता है वो मतलब इस तरह की फिल्म मैं हंसा मैं रोया और दोनों के परफॉर्मेंसेस

और टीयर टू टीयर थ्री टीयर फोर सिटीज़ में इन ये कैरेक्टर देखे जाते हैं हम जब जब हमने इमोशन प्रोग्राम किया है विलेजेस में गए हैं, टीयर थ्री सिटीज़ में गए ऐसे कैरेक्टर्स हमने देखा है हमने ऐसे कैरेक्टर्स और ये बाप बेटे का जो रिश्ता है इसमें जो केमिस्ट्री है वो मतलब प्यार भी है और क्योंकि जैसा हम कहते हैं कि पूत सपूत है तो धन की क्या जरूरत हाँ, है सपूत का पूत हाँ, सपूत का धन तो इसमें तो आ, बेटा चाहता है नौकरी करने लेकिन उसको मिल नहीं रही अपॉर्चुनिटी अब वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो कड़वापन अपने आप आया है बट फिर भी मक्खन भी खाना चाहता है लड़का और दूध भी नहीं उबालना चाहता है और दही भी नहीं बनाना चाहता है तो ये केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है दोनों की और uh, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि क्लाइमेक्स बहुत ही सुंदर है जहाँ आपको जाके एक इमोशनल पे डायरेक्टर छोड़ देता है ये बताता है आपको कि एट द एंड ऑफ द डे वो रिलेशन जब खींचता है जब आदमी को जब समझ में आ जाता ना ये गया एकदम जब उसको शॉक सबकॉन्शियस माइंड उसको हिला देता है तब ये मतलब वो मूवी का जो क्लाइमेक्स बहुत बढ़िया लगाए और जहाँ तक ऑडियंस की बात है हमारी तो हमारे जो जितने भी ऑडियंस है जैसे बैंक से हम जब लोन लेते हैं तो वो हमें उनको ईएमआई देना पड़ता है यहाँ रिवर्स है यहाँ मतलब टेलीविजन हमारे ऑडियंस को ईएमआई देता है एंटरटेनमेंट मोटिवेशन एंड इंफॉर्मेशन तो आई थिंक समवेयर दिस स्टोरी फिट्स एंड इट शुड

और आई थिंक इस फिल्म में ऑब्वियसली जो एक खास बात वो ये देखी गई है इट्स अ डायरेक्ट टू टीवी रिलीज़ जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम हो देखा जाता है सो अनुराग जी बी यू ऑबियसली बींग एन एस्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर फिल्म मेकर हम जिस दौर में ऑब्वियसली फॉर्चुनेटली uh, ये साल फिर भी मेरे ख्याल से बॉलीवुड के लिए अच्छा रहा है कुछ बड़ी बड़ी फिल्में विद सुपर वो चली है बट ऑब्वियसली वैन इट कम्स टू सच कॉन्टेड यू नो सच रूटेड कॉन्टेंट तो कहीं ना कहीं एक uh, आज भी वो एक वो डर है कि शायद ऐसी स्टोरी सिर्फ ओ या फिर डायरेक्ट टी के लिए ही यू नो you know, वहीं पे और क्या इन फिल्म का थिएटर थिएटर में आ, आना मतलब आज भी वो बहुत बड़ा रिस्क है बिकॉज पर्सनली आई फील वो आनी चाहिए लेकिन जिस जो इंडस्ट्री आज हाँ है एक्चुअली मैं ऐसे एक पैनल डिस्कशन से आ रहा हूँ हाँ जहाँ पे यही डिस्कशन था कि छोटी फिल्मों के लिए इतना मुझ क्या हो जाता है कि छोटी फिल्मों के लिए जो एक्सपोजर देना होता है ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए उसके पहले का जो हम लोग था कि छोटी फिल्म पे भी उतना ही लोड लगता है जितना एक बड़ी फिल्म पे लगता है रिलीज़ करने के लिए सो so, कई बार विजडम का इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है और मुझसे ज़्यादा मजे हुए लोग बिजनेस में मैं फिल्म मेकर हूँ अगर मुझे बिजनेस करना आता <laughs> तो मैं पता नहीं क्या कर चुका होता बट जो माहिर लोग हैं वो डिसाइड करते हैं उनको पता है बिकॉज उन, उनको जो उन्होंने तो सोनी जी ने बड़े प्यार से बहुत अच्छी बात कही जो टू टीयर थ्री टीय सिटी में जो असली ऑडियंस बैठी है इस फिल्म की जो समझती है अनुकम्पा स्कीम मुझे तो लगता है हालांकि जो जो शहर में पैदा हुआ उनको तो समझ में भी नहीं आती होगी क्या तो जो टू टीयर थ्री टी सिटीज की जो ऑडियंस है जो इस फिल्म को समझती होगी कि वहाँ पर सबसे ज्यादा रिच किसका है एंड ऑफ द डे आपके सामने जब फिल्म बनाते हो तो दो चीज़ें होती हैं एक तो फिल्म का लॉस नहीं होना चाहिए करेक्ट दूसरा नुए। फिल्म उस तक पहुंचनी चाहिए जितने जहाँ जितना ज्यादा पहुंच सके वो किस माध्यम से उतना ज्यादा पहुंच पाए वो जरूरी है और आपने जैसे एक ही बंदा का नाम लिया था वो ओ पर रिलीज लेकिन किसी बड़ी हिट से कम नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा लोगों ने देखी उसका फायदा उस निर्देशक को भी मिला प्रोड्यूसर को भी मिला एक्टर को भी मिला सबको मिला तो वो कुछ चीजें जो हैं उन पे बेस्ड होती हैं और कोई पॉइंट प्रूफ करने के चक्कर में मैंने तो मैंने तो खुद की जिंदगी के सात साल गंवाए <laughs> वो पॉइंट प्रूफ करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि हम करके दिखा देंगे बट आई थिंक थोड़ा विजडम चाहिए होता है mm. तो जो लोगों ने डिसाइड किया वो बेहतर आपको बता पाएंगे आप, uh, आप उनसे पूछिए uh, एक सवाल और है अनु एंड शर्मा ने तो खैर जिक्र कर दिया बट आई थिंक इट्स मोर एप्लीकेबल टू अनु जी एंड अनुराग सर Uh, ये फिल्म ऑब्वियसली बात करती है अबाउट हैविंग अ कन्वर्सेशन बिटवीन फादर एंड सन तो अनु जी ऑब्वियसली जब आपने अपना करियर जब सोचा था कि आप uh, इस सिनेमा की मोह से जुड़ना चाहोगे uh, तो कुछ याद है कि आपने अपने परिवार वालों से क्या कहा और उनका क्या रिएक्शन था सेम uh, क्वेश्चन अगर अनुरा, अनुराग जी भी आंसर करना चाहे तो दैट वुड बी वेलकम सर मेरे पिताजी तो बहुत डिसअपॉइंटेड थे वो <laughs> 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 तो बोल रहे थे कि आईएएस बनेगा और उन्होंने कहा था एक बार दूंगा जितने पैसे लेने ले ले चले जाओ मैंने मैंने, मैंने सोचा बहुत ज्यादा पैसे होंगे हज़ार मांग लिए थे पता चला यहाँ पर कि बहुत नहीं होता है अनुज जी आप अपना अनुभव oh, बताएंगे मैं हां इंसिडेंटली अह मैं मेरा कोई इंटेंशन नहीं था एक्टिंग या कला से जुड़ने का उसके पीछे रीजन ये था कि मेरे बाबूजी की एक नाटक नौटंकी कंपनी थी जिसकी वजह से हमारे परिवार को बहुत ही सामाजिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा जिसको सोशल ऑस्ट्रसाइजेशन बोलते हैं सो so, माता जी कभी नहीं चाहती थी कि उनके कोई भी बच्चा या वो ये चाहती थी कि उनका बच्चा हम तीन भाई हैं एक बहन है कोई रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में डॉक्टरी करें इंजीनियर बने आर्किटेक्ट बने ऐसा जो समाज में जिसको आ, रिस्पेक्ट दिया जाए ये ये नाटंकी नौटंकी भांडपना इन सब चीज़ों के अंदर नहीं था और इसी वजह से मेरी दादी ने मेरे पिताजी को निकाल भी दिया था घर से निकाल दिया था मेरे पिताजी कंपनी के नाटक नौटंकी कंपनी के मालिक थे वो कुछ नहीं ना राइटर थे ना डायरेक्टर थे ना सिंगर थे ना एक्टर थे उनका कुछ सो so, माताजी की वजह से और पिताजी की वजह से मैं मेरा एकेडमिक करियर तो 93 परसेंट का था मैं तो कब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है आज भी लेना देना नहीं है ये तो ये ऐसे लोग हैं जो थोड़े कदरदान जो है जो मुझे बुला लेते हैं और मैं मैं इनके उसमें काम कर लेता हूँ तो मैं किसी पैशन की वजह से नहीं आया मजबूरी में पढ़ाई छूट गई मेरी गरीब घर का बच्चा पढ़ाई छूट गई मैं आगे बढ़ नहीं पाया आई आप भैया आई ही करना था मुझे तो अरे मैं कहाँ यार आज चीफ़ सेक्रेटरी बन के रिटायर हो गया होता मैं देशभक्त आदमी हूँ मेरे को कहाँ यहाँ पर ये बोलते हैं एक्शन सर भागो आप ये इंजन की हालत खराब हो गई मैं तो चलते हुए इंजन के सामने ही भाग मैंने कहा चल पाए जो कोई बात <laughs> आप पूछो आप इनसे इंजन इंजन के सामने मैंने कहा ये हाथ पकड़ सर क्या कर रहे हो सर आप ये कर करके कर कर ना हो आप मैंने चल जाओगे देखा जाएगा सो ये मेरी राम कहानी है कोई पैशन नहीं था मैं वो रेयर ब्रीड में पॉइंट में हूं जो मजबूरी में आए हैं लेकिन अब मजबूरी में जब आ गए हैं और इस तरह के जो टैलेंटेड क्रिएटिव कलाकार प्रवृत्ति के लोग हैं वो मुझे काम दे देते हैं तो मैं मैं अनुग्रहित ही अनुभव कर सकता हूँ कि आपने मुझे काम दिया है काम कर करके आप पूछ लीजिए कि मैं कभी कभी पार्टी में गया हूँ इनकी तो काम ख़त्म किया अपने कमरे में सो so, मेरे शौक़ जो है ना मैं सिनेमा देखता हूँ ना टीवी देखता हूँ ये विनोद जी की तो ये पहली फिल्म ये थी अभी दूसरी फिल्म भी आने वाली है उसमें भी उसमें उसमें भी वैसे ही काम किया है काम करते वक्त ईमानदार हैं बाकी तो बाकी ठीक है ये हैं अपना सब चलाते हैं ना बैटन सब ये हैं ना ऐसे लोग बैठे हुए हैं अब मजबूरी के अंदर इतफाक से इनकी पिक्चर की और इनकी पिक्चर करने के बाद एक पिक्चर ऐसी करनी पड़ी मुझे उसके लिए भी आपसे मुलाकात होगी गई अभी जल्दी होने वाली है जहाँ मजबूरी में मुझे सर मुझे म्यूजिक डायरेक्शन करना पड़ा क्योंकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कहने लगे गुरु जी हमारे तो आपने गाना रिजेक्ट कर दिया एक विनोद जी की दूसरी फिल्म में यही हो गया मैंने कहा विनोद जी ये क्या कर रहे हो वहां से फोन आया कैंसिल कर दो शूटिंग आप मैंने कहा विनोद जी क्या बात कर रहे हो यार द, प, पचास तो यहां पे डांसर बैठे हुए हैं डेढ़ सौ जूनियर आर्टिस्ट हैं और आप मुझसे कह रहे हो कि गाना कैंसिल कर दो कहें आपको पसंद नहीं आ रहा मैंने कहा पसंद की बात नहीं मैं मैनेज करूंगा आप देखो मैंने मैंने सेट के ऊपर गाना मैनेज किया गाना रिकॉर्डेड गाने को इस तरह से किया तो अच्छे लोगों के साथ काम करके आप, आपका म्यूजिक सेंस म्यूजिक सेंस ऐसा कर दिया कि जो बोल जो थे लिरिक्स जो थे एक्स थे उनको करेक्ट करके वाई बनाया और वाई को रिकॉर्ड किया है और बाकी 64 बीट्स का जो पता ही नहीं लग रहा था अनमिक्सड कॉपी ये म्यूजिक डायरेक्टर भेज देते हैं उसको मैंने बहुत ताड़ा भी हमारे प्रोड्यूसर को हमारे डायरेक्टर को हमारे कोरियोग्राफर को मुश्किल हो जाती है यार लिपसिंग करें तो क्या करें यार तो फिर मैंने उसके अंदर अपना भी जोड़ दिया तो एक फिल्म जो इनके जाने इनके अभी इसी साल की उसमें मजबूरन मुझे, मुझे, मुझे म्यूजिक कंपोज करना पड़ा एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार एक तो ऐसा हुआ भैया कि वो कह लेंगे गुरु अब तो ये जो अब आपके ऊपर ही पिक्चराइज है तीनों और अब वो तो कोरियोग्राफर तो आ नहीं पाई उसकी डेट नहीं तो कोरियोग्राफी भी भी कर दो मैंने कहा वो भी कर देंगे तो वो भी कर दी <laughs> क्या करें मजबूरी तो इस तरह से इन लोगों का बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ बहुत मशहूर हूँ कि ये अभी भी मुझे प्यार देते हैं मुझे इज्जत दे देते हैं बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया शर्मा जी जॉब के लिए स्ट्रगल करना मुझे लगता है ये बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है आपकी लाइफ में थ्री इडियट में हमने देखा ना अब यहाँ पर देख रहे हैं तो कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में <laughs> बढ़िया बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है सर आपका <laughs> बट अब आप क्या करें उम्र ही ऐसी है जॉब की तलाश में ही लगा हुआ है बंदा सालों से थ्री इडियट्स में जैसे आपने कहा और अभी यहाँ पे भी उम्मीद है कि आने वाले समय में जॉब मिल जाएगी और आगे भी कुछ कर पाएंगे बट uh, जैसे मैंने पहले कहा कि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है जॉब अनुकंपा बिकम्स अ जरिया टू टेल अ स्टोरी ऑफ अ फादर एंड सन विच इज़ इन 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 सच अ in 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 so much depth and yet with, uh, so much entertaining value attached to it that it makes it a very special film yeah और ये uh, मेरे जो बेटे हैं आ, वो साहित्य में हिंदी साहित्य में एमए किया हुआ है या yeah, राइट right? अंग्रेजी साहित्य में एमए किया हुआ फिल्म के अंदर और एल के एजेंट की नौकरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से शहमन ने उस उस दुविधा mm. के दौर को इतनी अच्छे मैं ज, 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 जब देखता था इस वजह से फिल्म में कहीं कहीं जो ए, हल्का सा एक ए, गाली का वो चलन था वो भी मैंने निकाल दिया सारा मैंने कहा नहीं जिस ए, बच्चे की माँ शैशव अवस्था के अंदर ही चली गई है इस पिता ने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है नाराज़ होना बिल्कुल अलग बात है गाली नहीं बकूंगा उसके कभी नहीं कहीं <laughs> बकी नहीं तो बहुत अच्छा बहुत ही बढ़िया काम किया बहुत इतना अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगता था कि uh, सचमुच मेरा पुत्र है ये व्यूअर्स एंड व्हाट विल बी आफ्टर वाचिंग इट सो जैसा कि सब बोल ही रहे हैं फादर सन का स्टोरी है तो आई थिंक वो हर घर में होते हैं तो रेजोनेट तो करेगी करेगी डेफिनेटली एंड uh, मुझे ऐसा लगता है ये कहानी ना हर घर की है ठीक है कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी के दिमाग में ऐसी खुराफात आती ही होगी मैं ये नहीं बोलूँगा सबके घर की है बट लार्जली ऐसा होता है ठीक है एंड हर क्लास में होता है ऐसा नहीं है कि लोअर क्लास में होता है या मिडिल क्लास में होता है या अपर क्लास में होता है तो रेजोनेट डेफिनेटली ये करेगी एंड वॉट इज़ द सेकेंड पार्ट टेक अवे या सो द टेक अवे इज़ द रिलेशनशिप कि अगर आप वैल्यू नहीं करोगे रिलेशनशिप की तो अगर वो रिलेशनशिप जो चीज़ होती है कि जो हमारे पास चीज़ होती नहीं है तब तक हमें लगता है कि अरे वो बहुत बहुत कमाल की चीज़ है हमें मिल जानी चाहिए मिल जानी चाहिए और जैसे ही वो हमें मिल जाती है तो सडनली आपकी चाहत ख़त्म हो जाती है आपको लगता है कि यार ये तो बहुत फालतू चीज़ थी इसका क्या करेंगे तो दैट इज़ अ टेक अवे मेरे हिसाब से कि जो चीज़ें हैं उनकी रहते हुए ही वैल्यू करनी चाहिए अदरवाइज़ उनकी जगह अगर आप कुछ और चाहते हो रिप्लेसमेंट ये वो वो सब चीज़ें ना बहुत फालतू हैं पेरीफेरल बहुत फालतू है जो मेन चीज़ होती है वो कोर होती है रिलेशनशिप होते हैं तो उनको संभाल के रखना चाहिए एक्चुअली uh, मेरी परवरिश पुलिस लाइन में हो और पूरा खानदान मेरा पुलिस वाला है तो ये अनु अनुकम्पा नियुक्ति वाली बहुत सारी घटनाएं मैंने देखी तो मैं जानता हूं कि छोटे शहरों में कुछ लोग होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं नौकरी के आखिरी दिनों में तो एक तो ये बहुत अनबोला सा होता है कि इस, इस पर कोई बात नहीं होती है कि वो आत्महत्या कर लेंगे और बेटे और ना तो समाज में ना तो घर में परिवार में पर वो अंदर ही अंदर जानते हैं पर इस कहानी को लिखना भी डायरेक्टर साहब और फिर बनाना और एक्ट भी करना बहुत चैलेंज और फिर उसपे कॉमेडी भी डालना तो मैं सोच रहा था कि ऐसी कितनी घटनाएं हुई होगी पर कभी किस... में हुआ था एक वो महिला जो है बस के सामने चलते हुए चली गई हाँ तो ये कितना चैलेंज हजार रूपए के लिए नो दैट हाँ और फिर अब मैं सोच रहा था कि जब आप ये फिल्म 20 साल हो गए पुलिस लाइन छोड़े बॉम्बे आ गया तो मैं सोच रहा था कि अब ऐसा नहीं होता होगा तो ये पचाना भी ट्रेलर देखते समय बहुत मुश्किल था कि मैं पचा पा रहा हूँ तो एक तो कितना चैलेंजिंग था और पिता पुत्र के बीच वो जो डायलॉग लिखे गए होंगे कि वो क्या बात करेंगे और ख़ासतौर से मरने को लेकर कि मैं थोड़ा सा ये सु...

अब कुछ बहुत ज़्यादा अगर बटरॉन् रसल बन के अगर बैठेगा यहाँ पर तो बिल्कुल अलग बात होगी उसको समझ में नहीं आएगा लेकिन बिल्कुल समय बिल्कुल क्लियर कट बात है रॉकेट साइंस है ही नहीं कुछ इसमें सो so, बिल्कुल अनुकंपा जो योजना है भारत सरकार की बहुत सारी मध्य प्रदेश में भी है उत्तर प्रदेश में भी है और विश्वास मानिएगा कि इस तरह की ये जो योजनाएं हैं अगर आप महाराष्ट्र में बैठे हो तो शायद महाराष्ट्र में भी पता लग जाएगी ये सरकारी जो मुलाजमा है वहां का खेल है अभी आपने जब सवाल पूछा था हमारे एंकर ने भाई से हमारे बेटे से पूछा सवाल तो गुजराती हैं ये। गुजराती और के अंदर एक बेसिक फर्क है मराठी आदमी अपनी बेटी की शादी लड़का क्या करता है बिजनेस है नहीं नौकरी कहां है नौकरी कौन सी है वो नौकरी ओरिएंटेड है गुजराती आदमी लड़का क्या करता है नौकरी करता है नौकरी नहीं <laughs> बिजनेस तो चाहे <चुझे है। laughs> ये ये फर्क है दोनों के अंदर तो ये सेंट, अभी भी सरकारी नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इवन अमेरिका में हमारे व्यास जी हैं वो आ, अब तो रिटायर हो जाएगा दो तीन आ, साल के बाद बट ही 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 इस जॉब इज रिलेटेड फेडरल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट का काम हो गया तो हो गया खत्म हो गया आज भी आप हमारे सब प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं मैं इनको बोलूं विनोद जी को कि विनोद जी एक फिल्म बनानी है और दूसरा ऑप्शन है 130 एपिसोड दूरदर्शन के मिल रहे हैं और अगर ये फिल्म बनाने भागेंगे मैं कहूंगा विनोद जी क्या करो इतने बड़े बिजनेसमैन हो 130 करो अपने 130 एपिसोड दूरदर्शन के भैया वो सेफ है पैसा आपका गवर्नमेंट का पैसा सेफ है सोनी साहब <laughs> गवर्नमेंट का पैसा सेव है एक बार हो गया तो so, मुझे लगता है कि हमारा लवली टू के यूजली प्रोमो में कुछ बिल्कुल क्लियर कट है प्रोमो कि क्या है बेटे की समस्या क्या है बेटा क्या चाहता है वो चाहता नहीं है मजबूरियां ऐसी हैं वो धक्के खा चुका है वो मुझे आई एम श्योर आपने एडिट करते वक्त इस बात का ध्यान रखा होगा उसने अंग्रेजी साहित्य में एम किया हुआ है यार पोस्ट ग्रेजुएट है अंग्रेजी साहित्य में उसके बाद छोटे छोटे एल एजेंट की तरह भैया थोड़ा ये ले लीजिए थोड़ा ये ले लीजिए तो उसका अपनी कुंठा है उसका अपना फ्रस्ट्रेशन है उस बच्चे का कि मुझे मिलनी चाहिए ये बहुत अच्छा कंटेंट है अब आज इससे आगे आप पूछो कहानी को जब कोई जस्टिफाई करेगा अपनी कहानी को कोई भी आपकी कहानी है एक आइडिया नहीं आइडिया तो कुछ भी हो सकता है आइडिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं कि बहुत पतिव्रता नारी का रोल बहन सनी लियोनी ने कर लिया आइडिया कुछ भी कर सकते हैं आप लेकिन आप अपनी कहानी को जस्टिफाई करेंगे यकीन मानिएगा आप आपके फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं और जितनी ज्यादा ऑडियंस देखेगी जितना लार्जर प्लेटफॉर्म होगा हमारे प्रोड्यूसर को क्या है वो अगर आज उन्होंने अगर मान लीजिए सौ रुपए की फिल्म बनाई है नौ सौ रुपए आएंगे कल के दिन अभिनव के जैसे कुछ और नए लोग नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे नए सिग्निफिकेंस टॉपिक के साथ आएंगे तो प्रोड्यूसर का कलेजा बढ़ता है तो नया टैलेंट सामने आता है नया कंटेंट सामने आता है बहुत करण जो और बहुत हो गए यार <laughs> एक और क्वेश्चन लेंगे जी एक एक और सवाल कहाँ से या मैम हाय हेलो एवरीवन आई एम मलिका शर्मा फ्रॉम इंडिया टीवी या 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 सो सर ग्रेट फैन ऑफ राजू रस्तोगी बट माय क्वेश्चन इज टू विनोद सर यू हैव बीन को प्रोड्यूसर इन मेनी ग्रेट फिल्म्स लाइक ताना सो व्हाट हैज इंस्पायर्ड यू टू पिक अप अ स्टोरी लाइक सब मोम आया है ताना वाज अ डिफरेंट फिल्म दैट वाज ऑन हीरोज़ वो आर इंडिया के हीरो मतलब हो ना वहाँ पे वो पिक्चर करने का मकसद कुछ और था जैसे मैंने ये कहा कि ये रिश्ता जो है ना फादर और सन का उसके ऊपर की कहानी थी तो वो हम लोग को बहुत छुई थी आई एम वेरी क्लोज टू माई डैड नॉट दैट दिस इज माई स्टोरी बट द आइडिया वॉज दैट यू नो कि ये रिश्ते को समझने के लिए uh, जब इसमें uh, मुझे अभिनव ने बताया कि ये बेटा कैसे बोलेगा अपने फादर को कि आप मर जाओ और वो फादर ने बोला हाँ ठीक है तो इट्स इट वाज अ बिग थिंग अब इसको इस पिक्चर में जब आप देखोगे तो आ, रोना भी आएगा चो जूल अरे ऐसा लाइफ में एक नौकरी के लिए जो एक लाइन लिखी है यहाँ पे कि बाप के बदले नौकरी और नौकरी के बदले बाप ये बहुत बड़ी लाइन है you know, कि इस तरीके से कोई आ, आ, जी भी सकता है तो आई थिंक ये कैरेक्टर्स निभाया इन दोनों ने दोनों एक्टर्स ने जो कैरेक्टर्स निभाए हैं बिकॉज स्टोरी में लिखा है इसको देख के आपको लगेगा कि क्या फिल्म है तो आई थिंकट वॉज ये कहानी इसके लिए कहनी चाहिए वेरी पर्टिकुलर अबाउट द रिलेशनशिप ये रिलेशनशिप निभाने के लिए विनोद जी एक करोड़ आए बस यही है बस हेलो सर आई एम रमेश राव फ्रॉम द डेली थ्रू द इंग्लिश न्यूज पेपर कॉन्ग्रेजुलेशन टू द प्रोड्यूसर सर विनोद जी एक ऐसा सब्जेक्ट को आपने बैक किया है एंड अविनो जी आपको भी और एक बात बात बोलना चाहता हूँ अनु जी मेरा एक फ्रेंड था इसके फादर वॉज इन बी एच टी ही वॉज अ ड्राइवर तो वो गुजर गया तो बेटे को नौकरी मिली तो ये भी एक है सर वही है ये मिलता जुलता वही है हाँ वही है।, हा, है तो उसके डैडी ड्राइवर थे ऑन ड्यूटी गुजर गए तो बेटे को इंजीनियरिंग खाते में काम मिल गया सो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट अभिनव जी ने आपने लाया कि हर बच्चों को मतलब देखना चाहिए समथिंग मोर सर आपको बनाते टाइम कुछ प्रॉब्लम्स या वही कुछ स्टोरी में अभिनव जी नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है जब आपके पास दो ऐसे कमाल के कलाकार हों तो क्या प्रॉब्लम नहीं बल्कि बहुत आसानी हो जाती है जैसा कि दो मतलब सवाल पहले इन्होंने भी पूछा था एक्चुअली ये कहानी में जो बात है वो कि किस तरह से बोलेगा किस तरह से रिसीव होगी ये चीज क्योंकि बिजार है बहुत बात कि एक बेटा बाप को बोल इस, इस फिल्म का जो ह्यूमर है हाँ। कोई एक्टर किसी एक्टर ने कॉमेडी की नहीं है, इस पिक्चर हाँ। में सिचुएशन की ऑकवर्डनेस से आप इन्होंने जो ह्यूमर पैदा किया राइटिंग में और डायरेक्शन में वही है जो आपको फिल्म को छू लेता है और अनुजी उसमें मास्टर है कॉमेडी में नहीं नहीं मैंने दोनों मास्टर आ, हैं। रमेश जी मैंने कॉमेडी की नहीं मैं तो जो इन्होंने मेरा डायरेक्टर आप पूछ लीजिए इनसे इन्होंने एक्शन बोला जो था मैंने अपनी बेस्ट देने की कोशिश की मैं इनके मॉनिटर पर भी कभी आ, जाके देखता नहीं हूँ भाई आपने नहीं, वो है अनुसर के बारे में मैं बोलूंगा चाहे कुछ भी हो कैसा भी मूड हो इनका एक्शन और कट के इधर उधर बट बिटवीन एक्शन एंड कट ही इज़ समथिंग एल्स मतलब वो जो बोल रहे हैं ना कि ट्रेन के सामने एक्चुअली वो ट्रेलर में आपने देखा वो ट्रेन के सामने चलते हुए जा रहे थे और मैं मॉनिटर पे से उठ के भागा कि अरे रुक जाओ एंड ही इज़ इन दैट शॉट एंड बाकी शर्मन सर के बारे में बोलूँगा लाइक ही इज सो कमिटेड कि सेट पे जो माहौल इन्होंने बना के रखा था और उसी से एक फिल्म न एक फैमिली uh, की तरह बनाए ना अगर तो वो ज़्यादा बेटर बनती है मुझे ऐसा लगता है तो सेट पे माहौल वैसा ही था शर्मन जी इज नेचुरल एक्टर हमारे जहाँ हमने शूट किया है उज्जैन का मुझे लगता है कि हमारा पूरा प्रशासन ने आपको पूरा सपोर्ट किया है प्रशासन की तरफ से किसी किस्म की अगर बाधा आपको अगर पहुंची है तो अभी बोल दीजिए चुनाव आने वाला है अभी <laughs> <laughs> नहीं नहीं बहुत सपोर्ट था स्मूथ स्मूथ का All right, so on that note, thank you so much, ladies and gentlemen, for being here. और अब 18 नवंबर को Z Anmol Cinema पे आपके अपने cinema hall में आप इस film uh, को देख सकते हैं. इस team के लिए एक बार जोरदार तालियाँ हो जाएं. And we'll uh, go in for a quick photo op. Yeah.